हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टेट विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आरपीएससी ईओआरओ भर्ती जो पार्ट ए और बी दोनों के 120 क्वेश्चन हैं, उनके अपने टेस्ट चल रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट नंबर 3 आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। दो टेस्ट मैंने कम्प्लीट अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। और टेस्ट की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम निःशुल्क मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहता हूँ, इस टेस्ट के अंदर पूरे 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके राजस्थान जीके कम्प्लीट रहेगा, नगर पालिका अधिनियम, सारे नियम, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा दोस्तों आपका जो करंट अफेयर्स है, योजनाएं हैं, यानी पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा जो ऑफर चल रहा है उसका लाभ नहीं लिया है, तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करके आप लाभ ले सकते हो। ऑफर के तहत दोस्तों ईओआरओ की जो फुल टेस्ट सीरीज है पार्ट बी की 199 में आपको दी जा रही है, और दोस्तों ईओआरओ की जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ए और बी दोनों की वो 99 में दी जा रही है, जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलेंगे और पार्ट बी में आपको 25 मिलेंगे। तो दोनों टेस्ट सीरीज आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ्स वगैरह, नोट्स, इसके अलावा बुक्स वगैरह सभी भी भारी छूट दी जा रही है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से स्टडी विद एम के, दिए गए नंबरों पर भी आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फुल टेस्ट रहने वाला है, कंप्लीट देखना दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी। दोस्तों कंप्लीट यहां पर जो है पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेवाड़, करौली और मारवाड़। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा किया था, कब किया था। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है दोस्तों, और हर टॉपिक से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो दो नंबर का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों अपना, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई ए, ठीक है। 24 जून यहाँ पर 1858 के अंदर दोस्तों कुशाल सिंह की हार के बाद जो है ब्रिटिश सेना ने आउवा का जो किला है उस पर कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भगत आंदोलन का जो नेतृत्व है साथियों वो यहाँ पर किसने किया था, बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बताइए भाई। तो साथियों यहाँ पर बात करते हैं, तो गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गोपालिया और पूजा धीर जी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन इसमें गोविंद गिरी आता है, बाकी दोनों जो नाम है आपको याद नहीं है, तो ये जरूरी से आप याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या है 4, किसान पंचायत, यहाँ पर दोस्तों किसान होगा, किसान पंचायत, ठीक है ना, ध्यान रख लेना भाई, किसान किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1617 में की गई थी, इस संगठन का संबंध किससे था, जयपुर से था, शेखावाटी से था, डूंगरपुर से था या बिजोलिया से था। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा दोस्तों। किसान पंचायत की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो इनका संबंध जयपुर से था, कई जगह दोस्तों बिजोलिया भी माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में किसके द्वारा की गई है। तो ये प्रश्न बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर बात करेंगे साथियों, तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका 4, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, ठीक है ना, इन दोनों लोगों ने की थी, और कब की थी, यहाँ पर 1931 के अंदर दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। अफीम सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ होती है भाई, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा। सही आंसर की यहाँ पर बात करें तो 6 नंबर का जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। जी दोस्तों, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ अगर भी किसी को याद है तो भी आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान की मिट्टियों के संबंध में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देखो आप, ऑप्शन नंबर 4 है, दक्षिण भाग में फास्फेट सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, यह बात गलत है। बाकी जो थार का मरुस्थल है उसमें ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से बुलाई मिट्टी का निर्माण हुआ है, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस क्वार्टसाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा से सरण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो अपना 7 नंबर का हो जाएगा डी,
नेक्स्ट देखो भाई, अफवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणाली का अवरोही क्रम यहाँ पर पूछा है दोस्तों। अवरोही क्रम आपने देखा होगा दोस्तों, अवरोही और आरोही क्रम के कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है अफवाह की दृष्टि से, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, वो लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। चलिए नदियों की, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, चंबल, लूनी, माही और बनास, ठीक है ना, चंबल, लूनी, माही और बनास, ठीक है ना। तो याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें परेशान होने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल थार मरुस्थल की बात करें साथियों, तो 61% अपना जो है इसमें यहाँ पर क्या होती है भाई, 61% है, 61% जो है यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। जनसंख्या की यहाँ पर बात करें दोस्तों, जन जो संख्या है यहाँ पर वो आपकी हो जाती है कितनी, 40%, और 61% जो है यहाँ पर मरुस्थल है और उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। देखिएगा अगला, सांबर झील निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। सबसे ज्यादा जो लवण है दोस्तों सांबर झील में किस नदी के द्वारा लाया जाता है भाई, बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों रूपनगढ़ नदी, ये सारी वैसे सांबर झील में उड़ेलने वाली नदियां हैं, ठीक है ना, लेकिन जो इसमें मोस्ट लवण लाती है वो रूपनगढ़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आद्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। तो अपने रामसर भूमि के अंदर दोस्तों जो रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर एक शहर है ईरान का, वहां पर दोस्तों आद्र भूमि के संरक्षण के लिए यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था उसमें अपने घोषणा की गई थी। अपने राजस्थान के दो क्षेत्र है यहाँ पर, एक तो सांबर झील है और एक केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है। तो केवलादेव ध्यान रखना दोस्तों भरतपुर के अंदर है, और सांबर झील आपके वैसे तो दोस्तों नागौर, जयपुर और अजमेर में ये फैली हुई है, ठीक है वैसे, लेकिन जयपुर जिले के अंदर आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। टॉप लेवल के प्रश्न है दोस्तों, और जो बच्चे अभी लेट आए भाई ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर पूरे 120 क्वेश्चनों की आपकी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके बाद 80 क्वेश्चन तो आपके जीके के रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके जो है पार्ट बी के यहाँ पर रहने वाले हैं, नगर पालिका एक्ट से संबंधित, उसमें योजनाएं वगैरह भी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 80 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद वो करेंगे अपनी इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए तो लाइक कर दीजिए तब तक और शेयर कर दीजिए। तो साथियों यहाँ पर जो अपना सही उत्तर है वो हो जाएगा भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भाई मैदानी खंड ही है, और शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड की यहाँ पर बात हो जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जलवायु की दशाओं से संबंधित पूछा यहाँ पर, बताइए भाई जलवायु की दशा से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो देखो राजस्थान की जो जलवायु दशाएं वो तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है भाई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं अपने यहाँ पर कर देंगे भाई, इंदिरा परियोजना, ठीक है परियोजना ध्यान रखेंगे भाई, और इसका जिला प्रतापगढ़, ठीक है। तो 14 नंबर में दोस्तों वैसे जो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, वो हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर यही हो जाएगा, ठीक है। जाखम प्रतापगढ़ में, भीम सागर 12 के अंदर है, और सावण भादो कोटा के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में शुष्क सागवान वृक्षारोपण है, शुष्क सागवान है वृक्षारोपण है, प्रश्न क्या कह रहा है भाई ध्यान से पढ़ लीजिएगा सभी। शुष्क सागवान है के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले, तो यानी कहने का मतलब जो शुष्क सागवान वन है वो कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पर पूछा है सीधा सीधा, तो ये अपने हो जाएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणी जो राजस्थान है उसमें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है राजस्थान के अंदर, उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय कटीली,
उपोषण कटिबंधीय सदारहित शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती। जी साथियों, यहां पर बात करेंगे तो अपने जो वनस्पति है राजस्थान के अंदर वो नहीं पाई जाती है भाई, कौन सी? उष्ण कटिबंधीय सदारहित। सदारहित कहां पाई जाती है? अपने तो पानी की कमी है, वैसे भी सूखा पड़ता है ना। अगला देखो, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन क्षेत्र कहां पर है? लिग्नाइट जो कोयला होता है दोस्तों, आपको पता है बिटुमनी, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, अलग अलग क्वालिटी होती है कोयले की, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों जो लिग्नाइट कोयला है राजस्थान के अंदर वो कहां पाया जाता है? तो बिल्कुल ये पाया जाता है भाई, बरसिंगसर होगा, कपूरडी होगा और मेड़ता होगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अभी दो नाम तो सुने होंगे लेकिन मेड़ता में पाया जाता है। कई बार दोस्तों आपको सोनू भी देखने को मिलेगा मेड़ता के साथ में, तो ध्यान रखना अगर बरसिंगसर, कपूरडी और सोनू भी है तो भी ये राइट आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? बताओ। इतनी शानदार ये टेस्ट है दोस्तों कि मजा आ जाएगा भाई, कितना यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर देने की चेष्टा करें। तो जी बिल्कुल, यहाँ पर दो नंबर हो जाएगा भाई। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 3% घट गया है भाई, ठीक है ना, अब तक की बात हो रही है यहाँ पर, प्रथम योजना काल से अब तक की, ठीक है। वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की पशु की संख्या, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, 2007 पूछा है यहाँ पर, 2019, 21, 23, 20, 12 कुछ नहीं पूछा है, तो ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर दोस्तों बात करें, वैसे दोस्तों 566 यहाँ पर लाख बताया गया है कई पुस्तकों के अंदर, ये 2012 की जनगणना के अनुसार भी बताया गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा इस प्रश्न को ध्यान से एक बार चेकआउट कर लेना आप, ठीक है ना। बिल्कुल, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? कौन सी कर रही है भाई विकराल रूप धारण? तो पता आपको, अंधे, डार्क, धूसर, ग्रे की जो है क्षेत्रों की संख्या बढ़ रही है भाई, समझ रहे हो, जल संकट बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, जल स्तर कम हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बताइए, दिख रहा आराम से? यहां पर कुछ नहर है और लाभान्वित जिले हैं, लिप्ट नहर है, उनका मिलान आपको करना है। तो अपन देखते हैं 21 नंबर में जो लिप्ट नहरें हैं, इनमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो वन है उसके अंदर सी, जय नारायण, जोधपुर और जैसलमेर। फिर बात करते हैं चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़ चूरू। फिर बात करते हैं पन्नालाल बारूपाल, बीकानेर नागौर। फिर बात करते हैं डॉक्टर करणी सिंह, जोधपुर और बीकानेर। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर एकदम सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22, ठीक है, बताइए प्रश्न संख्या 22 आ चुका है स्क्रीन पर, बताइए। राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा यहां पर है, बताइए भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 76, 79 या 15, सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 76। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है अपनी, ऐसे इस तरीके से जो है आपस में महानगरों को जोड़ने की ये परियोजना है, इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसमें अपना 76 जो नेशनल हाईवे है वो इसमें इंक्लूड किया गया राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावितता कितनी है? सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक है साथियों, ध्यान रख लेना भाई, बता दो फटाफट से कितनी है। 23 नंबर का मुझे आंसर चाहिए फटाफट से। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर का आप चुनाव करें, क्या होगा सही आंसर? चलिए, तो सही आंसर की तरफ अपन देख लेते हैं साथियों, इसका जो सही आंसर है वो अपना क्या हो जाएगा? कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, कुछ बी भी बता रहे हैं भाई, कुछ सी बता रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पर दो नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, 11.29 मिलियन एकड़ फुट।
अगला सुमेलित करने वाला है, खनिज से संबंधित प्रश्न है, तो सुमेलित आप कर दीजिएगा। एक तरफ खनिज है, एक तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। फटाफट से सुमेलित कर दीजिए भाई। खनिज से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, डेफिनेटली जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित प्रश्न बिल्कुल बनेंगे एग्जाम में, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करेंगे भाई प्रश्न यहां से आएंगे या नहीं आएंगे। सीसा जस्ता आपको पता है दोस्तों, कहां से प्राप्त होता है सीसा जस्ता, सभी को पता होगा बेसिकली। चलिए हम बता देते हैं आपको, टेंशन मत लो आप किसी भी प्रकार की। चलिए तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। देखो सीसा दस्ता की बात करें तो ये रामपुर आगुचा और नावा चांदमारी और ये बेरेलियम है दोस्तों, बांदर सिंदरी और लोहा एस्क मोरिचा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, समाज शास्त्री श्री आसिद नंद द्वारा पुस्तके का नाम बताना आपको। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ऐसे हल्के प्रश्न नहीं है इस क्लास के अंदर, ठीक है। बताओ फिर जल्दी से। तो बिल्कुल द ब्लाइंड आई, टाइम ट्रैक, द ताओ ऑफ क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेलवे द्वारा प्रस्तावित डेडी कोटेड फ्रीड कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से निकलेगा। डेडिकेटेड जो कॉरिडोर है भाई उस पर केवल रेल ही जो है, यानी उसके कोई भी बाधा नहीं रहेगी, वो पूरा समर्पित है रेल को, ठीक है, उसे कहते हैं डेडिकेटेड कॉरिडोर। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद समय जो है यहाँ पर शासक पूछा है कौन हो जाएगा, मारवाड़ का शासक। तो मारवाड़ के शासक की यहाँ पर बात करें साथियों तो ये हो जाएगा भाई अजीत सिंह। आपको पता है अजीत सिंह जो है उस समय शासक था, क्योंकि अजीत सिंह खालसा घोषित कर दिया था अजीत सिंह के समय जब छोटा था। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी बेराट सभ्यता के अंदर है, ठीक है, बेराट सभ्यता। जोहरी रक्षा परवीर पसवीर या फिर दोहरी रक्षा, ये दोनों ही आते हैं कई बार एग्जाम में, तो दोनों के दोनों ही आपको याद रखना है ये आपके। वैसे दोस्तों ये पीली बंगा भी है और इसका काली बंगा भी आंसर है, ठीक है ना, तो दोनों में थोड़ा ध्यान रखना, मैं स्टार मार्क दे रहा हूँ, एग्जाम में अलग अलग इसका आंसर माना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, तो भाई प्रतिहार वंश का तो अंतिम शासक आपको बताइए दोस्तों कौन था, यशपाल था, नो डाउट यशपाल था, प्रतिहार वंश जो गुजर प्रतिहार वंश है। अगला देखिएगा, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर संपन्न हुआ था, बताओ कहां पर हुआ था, फटाफट से बता दो, पता है ना सभी को कहां पर हुआ था। तो साथियों सभी को बताया सांबर के अंदर हुआ था, कब हुआ था, 1562 के अंदर। चुंगी तीर्थ की बात करेंगे तो ये जैसलमेर में पड़ता साथियों, चुंगी तीर्थ अपना कहां पड़ता है, जैसलमेर में। चांपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, चांपानेर की जो संधि है साथियों ये एक तो मालवा के मध्य हुई थी और एक गुजरात के मध्य हुई थी, मालवा और गुजरात दोनों यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे एकदम सटीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को आंसर देना है। लालनाथ, पोकनाथ, चोकनाथ और सवाईदास जी ये संत किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, ये जो संत है दोस्तों ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं आपके, तो ये जो संत है ये ध्यान रखना आप जसनाती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो कृत्यासर आपको पता है अग्नि नृत्य किया जाता है इन संप्रदाय के द्वारा। राजस्थानी शैली विशुद्ध रूप से भारतीय ऐसा किसने कहा था, विशुद्ध रूप से क्या भारतीय है ऐसा एक व्यक्ति ने कहा था, उसका नाम आपको बताना है जी, उसका नाम हो जाएगा भाई यहां पर बिल्कुल, यहां पर
बताइए भाई। वैसे तो दोस्तों मनोहर स्वामी या फिर लॉरेंस, लॉरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्किस ने मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। ओ कितना बढ़िया प्रश्न है, ये तो सभी को आता होगा, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। ये तो भाई अपने मनोत नैणसी साहब ने लिखे हैं, ठीक है ना, मनोत नैणसी, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। अगला देखो, राजस्थान में बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज को क्या कहते हैं दोस्तों? एक तो सातुड़ी तीज कहते हैं अपने, सातुड़ी तीज, एक कहते हैं बड़ी तीज, ठीक है, एक कहते हैं बूंदी तीज, ठीक है, एक कहते हैं कजली तीज, ये सारे इसी के नाम है। तो अगर अपन बात करें तो ये मनाई कब जाती है? ये जाती है दोस्तों आपके भाद्र कृष्ण तृतीय को, भाद्र कृष्ण तृतीय को ये मनाई जाती है, ठीक है, और बूंदी में विशेष तौर से ये आपके मनाई जाती है। अगला देखो, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, यहाँ पर मस्ती स्थान की जगह प्रतिष्ठान होगा, तो ये ओल्ड प्रश्न है इसीलिए ये दोस्तों जोधपुर में हो जाएगा आपका, ठीक है, जोधपुर के अंदर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। टाटगढ़ को राजस्थान में कब मिलाया गया था? टाटगढ़ को राजस्थान में मिलाया गया था दोस्तों 1950 में। टाटगढ़ वैसे वर्तमान में अजमेर जिले का हिस्सा है, ठीक है। अगला देखिएगा, तेरा पंथ के प्रवर्तक, तेरा पंथ की बात करें दोस्तों तो आपको पता है तेरा पंथ के जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं भाई भीखण जी महाराज। इनका कई बार नाम आता है भीखम जी, भीखम जी, कई बार आता है भिक्षु महाराज, भिक्षु महाराज, ठीक है, तो याद रख लेना भाई एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन है, अनमेल, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष में बनाया है? तो ये बनाया भाई आपके 10 दिसंबर 1903 को अलवर ने, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई है? परोपकारिणी सभा की यहां पर बात करेंगे साथियों, तो सभी को पता है भाई कहां की गई है परोपकारिणी सभा की स्थापना? उदयपुर में की गई है। कब की गई है? 1883 को, ठीक है, 1883। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय, कितना बढ़िया प्रश्न है भाई, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय की अगर बात करेंगे अपन, तो मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय है साथियों वो आपका हो गया है भाई, बिल्कुल वेरी गुड, कब हुआ था? 3 नंबर, 1949 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, बाहर देवरा, बाहर देवरा कहां पर है? ये गोगा जी से संबंधित है या फिर शिव मंदिर समूह है? बाहर देवरा गोगा जी से संबंधित भी है और शिव मंदिर भी है, तो दोस्तों ये है आपके नौर हनुमानगढ़ में, ठीक है, नौर हनुमानगढ़। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को कौन भूल सकता है दोस्तों? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जेता और कुप्पा उस समय सेनापति हुआ करते थे मालदेव के, तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ठीक है। चलिए, इजलास खास, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके, वीडियो वगैरह के एग्जाम में, मेंस में आया हुआ है वीडियो में, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है इजलास खास की अपने, वो की गई है साथियों बिल्कुल महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजलास खास की अपने स्थापना की गई है। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया है? कृष्ण दिवस दो दिवस है, एक ध्यान रखना कृष्ण दिवस है, एक आपका है बीरबल दिवस, तो बीरबल दिवस और कृष्ण दिवस। कृष्ण दिवस की अपन बात करेंगे तो कृष्ण दिवस अपना मनाया गया है दोस्तों कहां पर? बिल्कुल मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा। और बीरबल जो है दोस्तों ये मनाया गया है आपके किसके द्वारा? बीरबल दिवस की यहां पर बात करेंगे तो ये मनाया गया है बीरबल दिवस आपका, बिल्कुल वेरी गुड, बीकानेर, ठीक है साथियों, बीकानेर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटेलिया बिछिया एवं लालर लोकगीत है, पटेलिया बिछिया और लालर ये दोस्तों जो लोकगीत है आपके, ये जो है ये ध्यान रखना भाई, ये आदिवासी जातियों के हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, विशेष तौर से ध्यान रखना पर्वतीय क्षेत्रों के हैं और आदिवासी जातियों के, ठीक है। अगला देखो, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? अब आपको पता है कई सारे नृत्य हैं, गीदड़ है, डप है, कच्छ है,
कच्ची घोड़ी है, ये सारे जो लड़ते हैं शेखावाटी से जुड़े हुए हैं अपने। किसे जुड़े हुए हैं? शेखावाटी से। हाडोती में दोस्तों कंजर जाति के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य हाडोती में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना भैया। चलिए, मारवाड़ में चंग नृत्य भी किया जाता है, होली के अवसर पर भी किया जाता है और शेखावाटी में भी किया जाता है। अगला देखो, निम्न से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? यहाँ पर पूछा तत्, तत् का मतलब होता है तारों से बजाया जाने वाला नहीं है, तो तत् की यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को पता है जो तत्ववाद्य यंत्र है आपका वो हो जाएगा भाई सतारा, सतारा हो जाएगा यहाँ पर, ये तो एक्स्ट्रा शब्द लिख दिया, सतारा। सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। बाकी रावणत्ता, सुरमंडल और कामाईचा, ये कामाईचा है, ये तारों से बजाए जाने वाले, ठीक है, सतारा सुशीर है। अगला देखिएगा, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई है? मीनाकारी की जो कला है दोस्तों, मीनाकारी की कला की बात करें तो ये गज सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा या फिर जसवंत सिंह द्वितीय के द्वारा, तो सभी को पता है दोस्तों ये लाई गई है मान सिंह प्रथम के द्वारा। मीनाकारी की जो कला है वो लाई गई है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयतमल राठौर को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबूजी, हरबूजी, आलम जी या फिर आलम जी दो बार हो गए, कोई बात नहीं, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा साथियों आलम जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, केराई माता का मंदिर का निर्माण काम किसने करवाया था? केराई माता का जो मंदिर है दोस्तों उसे किनसरिया के अंदर है, किनसरिया एक जगह पड़ती है, कहां पर पड़ती है सभी को याद होना चाहिए भाई, बताइए कमेंट करके, किनसरिया जगह है दोस्तों, किनसरिया, किनसरिया पड़ती है ये दोस्तों आपके नागौर के अंदर, और इसका जो निर्माण है वो करवाया आपके चच ने, किसने करवाया? चच ने इसका निर्माण करवाया। अगला देखो, 1808 में कंपनी की ओर से राजपूत संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो बिल्कुल साथियों यहां पर बात करेंगे तो 1818 की बात करें तो यह था चार्ल्स मेटको। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि 1818 में चार्ल्स मेटकोप ने की थी और 1803 के अंदर यह सहायक संधि की थी, सहायक संधि, सहायक संधि बोले तो दोस्तों ये लॉर्ड वेलेजिवली ने की थी, ठीक है, ये जो है इन्होंने उस समय की थी दोस्तों, एक तो अलवर से की थी सहायक संधि और एक भरतपुर से की थी, ठीक है ना। अलवर का था दोस्तों बख्तावर सिंह, कौन था? बख्तावर सिंह, और भरतपुर का था रणजीत सिंह, ये सहायक संधि की थी दोनों से। उसके बाद मेटकोप ने दोस्तों कोटा और करौली दोनों से सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या की थी, जो है आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधियां की थी यहाँ पर चार्ल्स मेटकोप ने, ठीक है, और चार्ल्स मेटकोप को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ध्यान रखना भारत के इतिहास में। यहाँ पर प्रश्न 55 नंबर का जो क्वेश्चन है शायद ये छूट गया है, राजपूतों को हूणों की संतान यहाँ पर पूछा है कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया, तो ये सभी जानते हो दोस्तों वी ए स्मिथ ने बताया, ठीक है। अशोक परमार की उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई है? अशोक परमार की जो उपरमाल की जागीर है दोस्तों ये पता है आपको, ये महाराणा सांगा से प्राप्त हुई है, ठीक है ना, महाराणा सांगा को युद्ध में सहायता के लिए अशोक परमार को उपरमाल की जागीर प्रदान की गई थी, ठीक है ना, बिजोलिया, और इसीलिए बिजोलिया जो आंदोलन है वो चर्चा का विषय रहा था, आपको पता लंबा चलने वाला आंदोलन था। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? अब दादू जी आपको पता है दोस्तों किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भाई दादू जी जयपुर से जुड़े हुए, तो जयपुर में डूंडाड़ी बोली बोली जाती है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल, जो संत जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसी का जो है आपको ध्यान रखना है, वही उसका आंसर होता है अधिकांश। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको उस तरीके से आपको ध्यान रखना है, तो चार है आपके वैसे बेसिकली, ठीक है ना, चार। अगला देखो, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी मरुस्थल का पूछा है ना कि पूरे राजस्थान का, पश्चिमी मरुस्थल की बात करेंगे तो 175,000 वर्ग किलोमीटर है भाई, ये वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी मरुस्थल का, ठीक है। अगला देखो, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, तो अरावली प्रदेश की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों विंध्यनखंड अरावली का नहीं है, ठीक है ना, विंध्यनखंड अरावली का भाग नहीं है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? ये पॉलिटिकल के प्रश्न आ गए, सारे प्रश्न मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो ये बढ़ाई जाती है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की, राज्य विधानसभा की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है वैसे राष्ट्रपति नहीं बढ़ा सकता है, राज्य विधानमंडल संसद के द्वारा ही बढ़ा सकती है भाई, संसद के द्वारा ही जो है आपातकाल की जो अवधि है वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल सभी को बता आपको कि संसद के द्वारा ही बढ़ाई जा सकती है और अधिकतम 6 महीने के लिए। राज्यसभा की निश्चित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की वैसे निश्चित संख्या की यहाँ पर बात करेंगे तो
आंसर हो जाएगा 4,250, अधिकतम 250 है और 238 अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से, बाकी 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहां पर पूछा है कि सीटों की जो संख्या है वो यहां पर सही उत्तर का चुनाव करना है। कोट यहां पर दिए गए हैं नीचे, आंध्र प्रदेश में कितनी है, कर्नाटक में कितनी है, ये सारी सीटें राज्य की है दोस्तों, राज्यसभा में स्थान पूछा है। तो बिल्कुल यहां पर जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर एक। अब एक में क्या है देख लीजिएगा, सीधा सीधा यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में कितनी है भाई, आंध्र प्रदेश में 11 है। ठीक है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है और पश्चिम बंगाल में 16 है, और राजस्थान में कितनी है भाई अपने 10 है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा कौन करेगा, तो भाई यहाँ पर ये करेगा कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करे एवं सुधार शामिल करे। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये कई बार आ चुका है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है लास्ट में, लेकिन मैं इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताता हूँ, 48A आर्टिकल आपको ध्यान रखना है जहां पर्यावरण की बात आ जाए, ये आपके नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों उसके अंतर्गत ये चीजें अपनी आ रही है। ठीक है, अगला देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड मतलब एक व्यक्ति को एक ही बार सजा मिल सकती है, आसान भाषा में आपको बताऊं तो आर्टिकल 20 और 21 वेरी मोस्ट है, दोनों ध्यान रखना, इसमें 20 है। ठीक है, आंसर निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है भाई। अब देखो आपको पता संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। ये कब हटाया है, 1978 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया है इसको। ठीक है, हाँ, और 300 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, ये एक अधिकार है लेकिन जब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है, प्रस्तावना के बारे में पूछा है। तो प्रस्तावना में दोस्तों आपको बताया यहाँ पर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं दोस्तों 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। भाई जो उद्देशिका है दोस्तों वो संविधान का भाग है, और ये दोस्तों आपको पता है यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस तरीके से नामित किया गया था बताइए। तो दोस्तों इनको नामित किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ये मैंने बता दिया शायद आपको, डबल बार आ गया क्या ये, हाँ डबल बार आ गया। चलिए अगला देख लीजिएगा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर यहाँ आए और नए सभागार, कृषि व्यवसाय, पोषण, कृषि केंद्र, पर्यावरण, अपशिष्ट जल, इंडोर खेल, इनकी सुविधा का उद्घाटन किया 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर। ठीक है, खेल का नाम आ रहा है। विगत वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार में से 8 पुरस्कार काजरी को दिए गए हैं। ठीक है ना, और ये जोधपुर में है दोस्तों आपको पता है, और नरेंद्र सिंह तोमर भारत में केंद्रीय मंत्री है कृषि डिपार्टमेंट के, इन्हें कृषि एवं कल्याण विभाग के केंद्रीय मंत्री है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 21 दिवसीय भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का कौन सा संस्करण 8 से 28 अगस्त 2022 को बकलोल हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। तो प्रश्न तो करंट अफेयर्स के भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 13वां संस्करण। ठीक है साथियों, अगला देखो भाई, वर्ष 2002 के बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्यकारों के संबंध में कौन सा योगदान सम्मिलित है। बाल साहित्य पुरस्कार की यहाँ पर बात करते हैं तो मछलियारा आंसू, विश्वमित्र दादीच, ये भाई बिल्कुल सही है, राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार। मंडला किस राज्य का आदिवासी बहुल्य जिला, जिसे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो मंडला है दोस्तों मध्य प्रदेश का, मैं से मंडला और मध्य प्रदेश। ठीक है, अगस्त 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 को संपन्न हुए विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम क्या थी बताओ। तो थीम थी भाई यहां पर
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा द वैल्यू ऑफ वाटर, ठीक है ना, सीइंग द अनसीन वैल्यू ऑफ वाटर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस 2022 की मेजबानी किस अभ्यारण्य द्वारा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आपके ताड़ोब टाइगर रिजर्व। और ताड़ोब कहां पर है, अभी ये सीटी के अंदर भी आपका पूछा गया था, तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई कहां पर है। अगला देखो, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमानवाहक की डिलीवरी भारतीय नौसेना को 28 जुलाई 2022 को की गई थी, किसकी? तो ये की गई थी दोस्तों आपको बताया आईएस विक्रांत, ठीक है ना, वी। अगला प्रश्न देखिएगा, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को वेस्टिन चर्चिल लीडरशिप 2000 अवार्ड से 26 जुलाई 2022 को सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा भाई आपके पोलैंड, पोलैंड ऑप्शन नंबर ए। अभी 40 क्वेश्चन आपके उसके भी बाकी हैं पार्ट बी के। भारत की किस अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है, जिसकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी की गई है? ये बनाया गया भाई अपने बिल्कुल रघुराम जी राजन, जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से कर लेना, और इसकी पीडीएफ पूरे 120 क्वेश्चनों की आपको मिलने वाली है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ में। अभी 40 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, और ये 100 के होने की खुशी में आपको दी जा रही है, लिमिटेड समय के लिए ऑफर है, जाके चेक कर लेना। अगर आपको ऑफर मिल जाए तो जरूर ज्वाइन करना, अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हो। ईओआरओ के लिए सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, बुक्स वगैरह भी आपको दी जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं 81% से लेकर 120 तक, बिल्कुल एक भी जगह नहीं रुका हूं दोस्तों, कंप्लीट यहां पर आपको करवा रहा हूं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 को कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपके गुजरात के अंदर, 36वें नेशनल गेम गुजरात के अंदर, ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी नगर पालिका के लिए सीटों की संख्या पुनर्निर्धारित कब की जाती है? तो आपको पता है जब प्रत्येक जनगणना पूरी होती है तभी की जाती है भाई, ठीक है ना। अभी 2011 के अनुसार ही सब संभव चल रहा है, ठीक है, तो जनगणना पूरी हो जाएगी तभी की जाती है, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर निगम का उपसभापति कौन होता है? तो नगर निगम का जो उपसभापति होता है दोस्तों वो आपको पता है उप महापौरी होता है, वो कौन होता है भाई, उप महापौरी होता है, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस अधिकारी की पहचान करें जो नगर पालिका निगम की संपत्ति किसी भी नुकसान की रिपोर्ट के लिए अधिकार सौंपा गया है। तो दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा भाई, मेन जो है वही होगा, ठीक है ना, नगर पालिका के अंदर। अगला देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसे अपॉइंटमेंट डे का अर्थ बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों आपके बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों नगर पालिकाओं का परिसीमा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका को नगर निगम की संपत्ति की चोरी संबंधी सभी मामलों की रिपोर्ट के लिए भी मैंने बताया था मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये प्रश्न बहुत आसान है, इसलिए आसान है कि पिछली भर्ती के आए हुए हैं, पिछली भर्ती के आए हुए प्रश्न में करवा रहा हूँ आपको इसमें, और हमारी पुस्तक में भी आपको लगभग ये कुछ प्रश्न उसमें से मिल सकते हैं, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में नगर निगम की तकनीकी सेवाओं के काम से संबंधित अधिकारियों को वितरित करने का अधिकार, तो भाई जिसमें आपको पता है अधिकांश आंसर यहाँ पर क्या होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही होगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। वैसे दोस्तों कई जगह इसमें जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है, तो ध्यान रख लेना दोनों ऑप्शन यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, क्योंकि कई किताबों में आपको यह भी मिलेगा कई जगह। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस उपयुक्त पदाधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा, तो शीघ्र कदम कौन उठाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उठाएगा। देखो दोस्तों इसमें अधिकांश में जो है आपको अगर प्रश्न नहीं आ रहा है पेपर में तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपके लगभग कई सारे प्रश्न सही हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखो 89, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के संदर्भ में नगर निगम के मामलों की जांच के लिए नियुक्त अधिकारी को किस अधिनियम के तहत अदालती शक्तियां दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो अदालती जो शक्तियां दोस्तों ये दी जाती है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दंडित हर व्यक्ति को एक अवधि के लिए नगर पालिका के सदस्य के रूप में चयनित करने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, इस अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? इसको बढ़ाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई, वेरी गुड, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, बिल्कुल 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, हाँ दंडित के लिए।
अगला प्रश्न आ चुका है राजस्थान नगर पालिका, यह शहरी भूमि निपटान का है, यह पिछली भर्ती में था इसलिए इसको छोड़ देना आपको, ठीक है ना, नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। अगला बताओ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय की परिभाषा धारा में सीवेज शब्द में क्या शामिल है, ठीक है, सीवेज शब्द में तो सीवेज की यहां पर बात करेंगे साथियों, सीवेज की बात करते हैं तो सीवेज में हो जाती है दोस्तों आपके व्यापार अपशिष्ट और सभी प्रकार के उत्पादों का निर्वहन, बिल्कुल यहां पर सीवरेज, यहां पर दोस्तों सीधा जो आंसर है आपका ये हो जाएगा सीवरेज इसमें, ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, वह मैनुअल क्या जिसकी चर्चा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है, तो ये की गई है भाई आपके यहाँ पर बिल्कुल नगर पालिका लेखांकन मैनुअल, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। साथ ही मैं अवगत करना चाहता हूँ राजस्थान की पहली किताब है हमारी जिसके अंतर्गत पुराने प्रश्न डाले गए, राजस्थान की कोई किताब नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी ने की हो तो हमारी कॉपी पेस्ट की होगी, ये मैं दावा करके कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। लगभग 287 प्लस प्रश्न हमने डाले हैं पिछले 2016 भर्ती के और 2008 के कुछ प्रश्न मिलाकर, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ एकदम ट्रस्ट कर सकते हो, प्रश्न आएंगे डेफिनेटली एग्जाम में। अगला देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्षों की समाप्ति पर नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रश्न को लेकर कई सारे डाउट है, धारा 53 के अंदर जो है ये चीज दे रखी है, कई सारे विद्यार्थियों को डाउट चलता रहता है इसके अंदर, लेकिन जो इसमें मैं आंसर बताऊंगा आपको एकदम सटीक यहाँ पर आपको आंसर बताऊंगा, इसमें दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पारित की जाती है यहाँ पर दो हो जाएगा, दो वर्ष कार्यभार ग्रहण करने की अवधि से कितने वर्ष की समाप्ति पर, जब उसके दो वर्ष पूरे हो जाएंगे तब उस पर लगाया जा सकता है, एक वर्ष के पहले नहीं लगाया जा सकता है और दो वर्ष के बाद लगाया जा सकता है, ठीक है, ये टर्म्स कंडीशन है भाई, अब आप कुछ भी मानो लेकिन जो पिछली बार माना है उसी तरीके से मैंने आंसर दिया यहाँ पर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 के अंतर्गत नगर पालिका की ओर से भू अधिग्रहण अधिकारी कौन होता है, तो भू अधिग्रहण अधिकारी की अगर बात करें तो भाई ये होता है अपने बिल्कुल मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की उस धारा को पहचाने जो हर एक सदस्य के अधिकार को विशेष अधिकार प्रदान करती है, तो विशेष अधिकार वाली जो धारा है दोस्तों वो आपकी हो जाती है 52, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 105 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प लाइसेंस आवश्यकता वाली गतिविधियों के लिए नगर पालिका द्वारा शुल्क या जुर्माना लगने की शक्ति के बारे में गलत है, कोई भी लाइसेंस ले रहा है तो उसके लिए यहाँ पर गलत बताया गया भाई, उसके लिए नगर पालिका लाइसेंस की आवश्यकता शुल्क के लिए कोई बाध्यता नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों निजी बागवानी, अगर भाई कोई घर के अंदर बागवानी कर रहा है तो उस पर क्या लाइसेंस लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी न्यायालय राजस्थान नगर पालिका धारा 23 के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब लेगा, तो संज्ञान कब लेगा, संज्ञान तब लेगा जब राज्य निर्वाचन आयोग का कोई आदेश जारी होगा, तब न्यायालय कहेगा भाई हम यहाँ पर जांच करेंगे, संज्ञान लेंगे, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका 2009 की धारा 21 के अनुसार नगर पालिका के सदस्य बनने की आयु, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, 21 वर्ष आपको पता ही है, सरपंच हो या वार्ड पंच हो या नगर पालिका का सदस्य हो, बाकी विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है, ठीक है, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए कितनी है भाई 35, उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35, ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष बन सकता है भाई, मुख्यमंत्री 25 का बन सकता है, एमएलए बन रहा है तो वो क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए ध्यान रखना। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये शब्द नहीं बोलूंगा भाई क्योंकि ये हर प्रश्न में आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। नगर कोष से किसी भी खर्च की मंजूरी के लिए वार्ड समिति को किसका पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होता है, तो ये लेना होता है भाई नगर पालिका से, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो रहा है, कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बिल्कुल डेली यहाँ पर लाइव क्लास होती है आपके लिए, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, स्टडी विद एमके चौधरी के नाम से है, सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, नए जो भी साथी आए बिल्कुल। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 106 के अनुसार न्यूनतम कितनी ऊंचाई वाले, ये तो 14 मीटर में, 14 मीटर से ज्यादा जो है उस क्षेत्र के अंदर जैसे नगर पालिका क्षेत्र है इसमें 14 मीटर से ऊंची कोई भी बिल्डिंग कोई भी भवन नहीं बना सकते, अगर बनाया जाता है तो उसपे टैक्स लगेगा भाई सरकारी, ठीक है, सीधा आंसर है। यहाँ पर नगर निगम की तकनीकी सेवाओं के काम से संबंधित अधिकारियों को वितरित करने का अधिकार किसके पास है, तो
तकनीकी जो टेक्निकल काम है दोस्तों वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सीईओ, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान नगर पालिका ये भूमि निपटान वाला है, ये छोड़ देना। कुछ क्वेश्चन भाई इसमें आ गए हैं, कोई बात नहीं है, पहले वाले थे इसलिए मैंने डाला है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प नगर पालिका से मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है? तो मनोनीत सदस्य की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता नगर पालिका की बैठक में मतदान करने का अधिकार, वही है दोस्तों, चीजें वही है, केवल समझने का फर्क है। आपका होता है एक तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, एक होता है महान्यायवादी, दोनों आपको पता कानूनी सलाहकार होते हैं, लेकिन जब बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं दोनों, लेकिन दोस्तों मतदान नहीं कर सकते। इसी तरीके से नगर पालिका की बैठक में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, अभी चेंज कर दिया गया है आपको पता दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 12, 6 और जो 8 का जो भी यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं एग्जिट डेटा, वो आप देख लेना, अपनी किताब के अंदर भी दे रखा है, उसमें चेंज कर दिया गया है, तो वो प्रश्न आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जब कोई गोदाम दो सन्निकट नगर निकाय के बीच में हो, तो इसमें किसके पास इस बात का अधिकार होता है कि वो घोषित करेगी वो गोदाम नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये अधिकार कौन देगा भाई? ये देगा अपने राज्य सरकार, ये मामला सुलझाएगी, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 कौन से नियमों को प्रतिस्थापित किया है? तो ये नियम थे दोस्तों आपके, बिल्कुल ये नियम थे आपके राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974। अगला देखिएगा, वित्त समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य में से कौन सा एक नियत नहीं है? 107 में आपको बताना है। तो यहां पर दोस्तों ये हो जाएगा बिल्कुल, वित्त समिति की यहां पर बात की जा रही है, तो 4 नंबर हो जाएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 104 के अधीन शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शहरों और गांवों में स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो निर्मल पुरस्कार दिया जाता है, अभी चेंज हो गया, ये पहले था, तो एग्जाम में बन सकता है। इंदिरा रसोई जो 20 अगस्त से शुरू हुई थी अपनी, 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की जन्म जयंती पर, इसमें क्या दिया गया है यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही है? तो सही की यहाँ पर बात करेंगे भाई, 3 नंबर अपना सही होता है, राज्य सरकार द्वारा योजना तो 100 करोड़ प्रतिवर्ष, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, हाँ 100 करोड़ प्रतिवर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्या क्या है? तो घटक दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे 1, 2, 3 ही है, भूमि संसाधन के उपयोग हेतु निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से पुनर्वास, ऋण से जुड़े ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास प्रोत्साहन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी किफायती आवास का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी है, ठीक है, ग्रामीण भी है शहरी भी है। ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों अमृत, अमृत का नाम पूछा गया यहाँ पर, अमृत AMRUT, एम यहाँ पर AMRUT अमृत, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है पूरा अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, हाँ रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत योजना। अगला देखो, हृदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो हृदय योजना की बात करें दोस्तों तो 26 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई थी आपकी हृदय योजना, ठीक है ना। रॉयल कमीशन 1907 की सिफारिश पर स्थानीय निकाय को प्रांतों में कब सौंपा गया था? तो भाई जी ये आपके सौंपा गया था, बिल्कुल आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919 दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया था? तो कानून दोस्तों बात करते हैं तो आपको बताया 1994 के अंदर जो है एक्ट बन गया था, कानून बन गया था अपने। राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 में अधिभोगी से क्या तात्पर्य है? अधिभोगी से क्या तात्पर्य है? तो अधिभोगी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भूमि का भवन का उपयोग करता हो, उसे कहते हैं भाई अधिभोगी। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के अनुसार हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, तो ये तो धारा 30 बता रखी है, ठीक है ना, जो आपके पता ही है दोस्तों, ध्यान रख लेना इसमें आर्टिकल जो आपके टोटल एक्ट 17 है, लेकिन जो इसमें आपको दोस्तों पढ़ना कितना है 9 ही, आपके जो अध्याय है टोटल 9 ही पढ़ना आपको। कई बच्चों के मेरे पास कॉल भी आते हैं सर कितने पढ़ना है, तो जो सिलेबस में देखे हमारी किताब में देखे वही पढ़ना है। राजस्थान नगर पालिका 2009 में नगर पालिका सदस्य अपने पद से इस्तीफा कैसे दे सकता है? इसके बारे में संशोधन हुआ, वो मैंने आपको बताया था, इस्तीफा दे सकता है लिखित नोटिस देकर, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो है अभी इस्तीफे के अंदर भी अभी कुछ जो नगर परिषद का अध्यक्ष है या नगर पालिका का है या नगर निगम का है, तीनों के लिए विशिष्ट शासन सचिव को यहाँ पर जो एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया है, और दो एक के लिए और बाकी दो के लिए अलग है, तो दोनों के लिए वो आप एक अधिनियम मैंने डाला है अभी
जो अमेंडमेंट हुआ है वो जरूर देखना आप, ये एक्ट में नहीं दे रखा है, ये 2019 के अंदर हुआ है ये संशोधन। कौन सा एक वार्ड समिति का समान करते नहीं है, तो वार्ड समिति की यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है वार्ड समिति का जो है नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करना ये कार्य नहीं होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्क में रखरखाव सहायता करना, वार्ड संबंधित विकास स्कीमों का क्रियान्वयन करना। वार्ड समिति के भी सदस्य बढ़ चुके हैं, तो सारे अमेंडमेंट में डाल दिए दोस्तों, अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो आपको अपडेट रहना अभी अगले एक महीने तक, ठीक है। 2009 के नगर पालिका अधिनियम 1900 जो धारा 74(2) है उसके अंतर्गत नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका स्थित और संपत्ति का वार्षिक विवरण तैयार करने उस नगर पालिका को सक्षम रखा जाएगा। तो कौन है भाई ये हो जाएगा साथियों आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो CEO है वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग में था, तो यहाँ पर झाला जालिम सिंह के बारे में पूछा गया है, तो आप बता दीजिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे, इसमें पूछा गया झाला जालिम सिंह के बारे में, झाला जालिम सिंह के बारे में गलत कथन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों कंप्लीट क्लास मैंने करवा दी आपको, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, और ऑफर का लाभ ले लेना दोस्तों। जो नए जुड़े हैं आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, कॉल है, यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा PDF नोट्स सब आपको एक निश्चित दरों पर अभी मिल रहे हैं छूट के तहत, मात्र 99 रुपए में। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, पूरे 15 टेस्ट है, 199 में आपके 25 टेस्ट है, 5 पूरे फुल टेस्ट है 120 पीस के, बाकी आपके पूरे टॉपिक वाइज है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, सारी बुक्स वगैरह PDF, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, पूरी PDF आपको मिलने वाली है। जो बच्चे लेट आए हैं थोड़ा ध्यान के देखो, आंसर के साथ में आपको पूरी मिलेगी दोस्तों। 120 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, तीसरा मॉडल पेपर है, 1 नंबर से आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे GK के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि समय पे आपको क्लास मिल सके, आप समय पे आप जुड़ सको दोस्तों। मेरी यही सोच है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर आपको करूँ, हर 2-3 दिन के अंदर एक टेस्ट पेपर लेकर आता हूँ। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो करवा दिए, क्लास संस्कृति के 2 बचे हुए हैं बाकी, और अब जल्दी करंट अफेयर्स भी आपके लिए शुरू करने वाला हूँ, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करते रहना, रिविजन करते रहना, जो भी किताबें बार बार पढ़िएगा दोस्तों, एक किताब डिफेंड नहीं रहना आपको, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो जय हिंद, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कर देना, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो, आपके लिए हम तैयार हैं 24/7। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।